ਪਾਠਕ੍ਰਮ 2018 ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਜੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਾਡਲ ਫਰੋਮ ਇਮੇਜ, ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਮੇਜ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮਾਡਲ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ 3D ਟੂਲ ਪਾਥ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ 3D ਟੂਲ ਪਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਫਾਈਲ ਨਿਊ ਮਾਡਲ ਫਰੋਮ ਇਮੇਜ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਯਹਾਂ ਸੇ ਹਮ ਕੋਈ ਵੀ ਫੋਟੋ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਫੋਟੋ ਚਾਲੀ ਸ਼ੇਪ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ। ਓਪਨ ਕਰੇਗੇ, ਵਰਸ ਸਾਈਜ਼ ਪੁੱਛੇਗਾ, ਇਮੇਜ ਸਾਈਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਹਮਾਰੇ ਕੋ ਕਿਤਨੇ ਬਾਈ ਕਿਤਨੇ ਕਾ ਚਾਹੀਏ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੁਝੇ 100x100 ਕਾ ਚਾਹੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ 100x100 ਕਾ ਮਾਡਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਭੀ ਇਹ ਜੋ ਹਾਈਟ ਹੈ ਯੇ 1 mm ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਰਹਾ ਹੂੰ ਯਹਾਂ ਪੇ, ਜਬ ਹਮਨੇ ਮਾਡਲ ਫਰੋਮ ਇਮੇਜ ਕੀਆ, ਓਪਨ, ਇਸਕੋ ਪੁਰਾਣੀ ਵਾਲੀ ਕੋ ਮੈਂ ਸੇਵ ਨਹੀਂ ਕਰਤਾ, ਤੋ ਯਹਾਂ ਪੇ ਹਾਈਟ ਆ ਗਈ, ਅਗਰ ਹਮ ਇਸਕੋ ਕਰ ਦੇਂਗੇ 5, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਯਹਾਂ ਪੇ ਇਮੇਜ ਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਦੇਂਗੇ 100, ये 5 mm डेप्थ हो जाएगी इसकी, ठीक है ना। तो उसके अकॉर्डिंग जितने भी हमारे को चाहिए इमेज में, किसी भी इमेज को कर सकते हैं, इसको करें, ओपन करेंगे, नो। अब मेरे को हाइट कितनी चाहिए, इमेज का साइज कितना चाहिए, ठीक, ये उसके अकॉर्डिंग ही बन जाएगी। यहां से स्मूथ कर सकते हैं, स्मूथिंग का रेडियस कितना चाहिए, ठीक है, हल्का सा इसके ऊपर एक बार कर देंगे, जितने ज्यादा कर देंगे तो ये उतना खत्म हो जाएगा, ठीक। तो इसको ज्यादा नहीं करना, रेडियस का कम होना चाहिए, स्ट्रेंथ भी कम होनी चाहिए, स्मूथनेस अब जैसे 100% और रखिए तो इसको भी 40-45% कर देते ज्यादा, ठीक है। इस रेडियस से कुछ नहीं, ये तो इजी हो जाएगा ना, एक बार 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 उसके ऊपर फेरने की बजाय इतना ही करने की जरूरत, एक बार ही उसके ऊपर क्लिक करना तो उससे ये स्मूथ हो जाएगा, ताकि हमारा टूल जो है मूव जो है स्मूथ भी कर सके, ठीक है। मेरे पास ये 3D मॉडल तैयार हो चुका है, देखिए 2D में हमारे को ऐसे नजर आ रहा, 3D में हम ऐसे नजर आएगा, ठीक है। हम इसके वेक्टर भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, वो एक अलग अलग से वीडियो बनाएंगे, तो जिसमें हमारे पास 2D ड्राइंग में पहले वेक्टर क्रिएट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग जाली वगैरह बनाएंगे, ठीक है। इसने ही ऑटोमेटिकली क्रिएट कर दिया, तो ये मेरे पास शेप है, हम टूल पाथ में जाएंगे, टूल पाथ में हमारे पास ऑप्शन है 3D टूल पाथ, ठीक है, 3D टूल पाथ लिए। अब 3D टूल पाथ में हमारे पास दो ऑप्शन आ रही है, सबसे पहले तो होल रिलीफ, यानी जितना बना हुआ उतना चाहिए, या हम पर्टिकुलर को सिलेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। हमने कहा होल रिलीफ पूरे पे कर दो, उसके बाद फिनिशिंग ऑपरेशन, फिनिशिंग के लिए कौन सा टूल चाहिए, मैंने कहा ये मुझे 3 mm का बॉल मोल्ड चाहिए, ठीक है। तो उसके उसके अंदर भी हमारे से पूछ रहा है, फिर रास्टर में चलाना है, स्पाइरल में चलाना है, 3D ऑफसेट में चलाना है, ठीक है, ये अलग अलग ऑप्शन है, तो हम इसको रास्टर ही कर देते हैं, फिर इसको बाद में चेंज करके देखेंगे भी एंगल चेंज करने से क्या होता है, ठीक है। रफिंग में मैंने कहा जी मुझे 6 mm का एंडमिल चाहिए, उसके साथ रफिंग करेंगे, ठीक है, रफिंग भी हम रास्टर में चला देते हैं। मटेरियल चाहिए होता है हमारे को, कितना एमएम का मटेरियल चाहिए, मैंने कहा जी मुझे 3 mm की थिकनेस है, जिसमें से 1 mm मुझे ये शेप मिल जाएगा, बाकी 2 बच जाएगा, ठीक है, ओके किए। अब कैलकुलेट, थोड़ा सा प्रोसेसिंग में टाइम लगाएगा, उसके बाद ये हमारे को बाउंड्री जो हमारे पास ये हो जाए होल रिलीफ, उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करके दे देगा।
तो ये 3D टूल बार से बहुत इजी हो जाता है। अब इसमें रफिंग और फिनिशिंग दोनों ऑपरेशन इकट्ठे ही हो जाते हैं, 100% कंप्लीट आ गए। अब ये फिनिशिंग का टूल बार बना रहा है, फिनिशिंग का दोनों टूल बार हो गए, इनको घुमा के हम देख सकते हैं, ठीक है ना। तो यार बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से चलेगा ये, ठीक है। तो यहाँ टूल पाथ में जाएंगे तो यहाँ पे देखो मशीनिंग में एक एंडमिल रफिंग का है, एक फिनिशिंग का, ठीक है। दोनों प्रोग्राम अलग अलग बन जाएंगे। मशीनिंग में गए, देन हम इसकी सिमुलेशन देख लेते हैं, ठीक है। फास्ट ही कर देता हूँ, सिमुलेट प्ले करेंगे तो ये कटिंग करने लग जाएगा, ठीक है। टाइम बचाते हैं, इसको फास्ट फॉरवर्ड में कर देते हैं तो ये थोड़ा सा जल्दी करके दिखा देगा। ठीक है, स्क्रॉल करते हैं तो वो हमारे को रिफ्रेश कर देता है, पर प्रोसेसर आपका अच्छा होना चाहिए नहीं तो ठीक है। याद है बिल्कुल नेक्स्ट कर देंगे तो ये आगे चला जाएगा। कोई भी मॉडिफिकेशन करनी है इसको हम एडिट कर सकते हैं, इस रिलीफ को सेव कर सकते हैं और अगले ऑपरेशन के लिए, ठीक है नहीं। अब जो ये सिमुलेशन आई है, ये वाली जो सिमुलेशन है ना, इस सिमुलेशन को मैं सेव कर सकता हूँ तो हमारे पास एज ए 3D मॉडल मिल जाएगा ये जो कटिंग होने के बाद जो हमारे पास आया, ठीक है। वैसे इस कंडीशन में हमारे को जरूरत नहीं है, ठीक है। ये थोड़ा ग्राफिक की वजह से दिख रहा है, बिल्कुल यार स्मूथ होगा क्योंकि इसमें हमने 3mm का बॉल ग्रेड बॉल नोज भी चलाया, ठीक। मशीन रिलीफ में गए, इसको सेव कर सकते हैं, ठीक है ना। सेव टूल पाथ में जाएंगे तो ये हमारे से ये सेव टूल पाथ की जगह पूछेगा कि कहाँ पे सेव करना है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे को फाइल चाहिए होती है टेक्स्ट फाइल, तो पुरानी मशीनें हैं उनमें तो हमें टेक्स्ट फाइल ही चाहिए, एनसी फाइल। मैं दिखाता हूँ, ये टैब फाइल भी चल जाते थे कई मशीनों में, टैब फाइल चाहिए, ठीक है ना। आपको अपनी मशीन का फॉर्मेट देखना है कि उसमें कौन सा फॉर्मेट है, जो मशीन आपके पास लगी है, ये देखो इतने तरीके की मशीन है, ठीक है। तो एक एनसी मशीन होती है, एनसी स्टूडियो, ये वाली, ठीक है। एमएमजी वाली फाइल भी चल जाती है, तो जो भी आपको मशीन चाहिए, ठीक है, जो भी आपको फॉर्मेट चाहिए वो चूज करो और इसको सेव करो। जो ये हमारा पाथ है, इस पाथ के ऊपर जाके वो हमारी फाइल सेव होगी डिजाइन 3 के नाम से, उस फाइल को डालेंगे मशीन के ऊपर चला देंगे, ठीक है। तो ये हमारा था, एक तो हमने इसमें ऑप्शन करी मॉडल फ्रॉम इमेज, ठीक है, और एक 3D टूल बार। ये नहीं आता है, ये आता है लास्ट ऑफ नहीं।